क्लास एट में एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर 7 चल रहा था, इसमें क्या पूछा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर एनी इंटीजर, यहाँ इंटीजर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर एम, किसी भी इंटीजर एम के लिए एम स्क्वायर इज लेस देन एम थ्री, ठीक है, एम स्क्वायर जो है एम थ्री से लेस देन है, क्या ये सही है, और यदि है तो वाई, ऐसा क्यों, ठीक है, इसका हमको आंसर देना है। तो ये फॉल्स है, ठीक है, सबसे पहली बात है फॉल्स है, ठीक है, क्यों फॉल्स है वो मैं कारण बताता हूं, क्योंकि फॉर एनी इंटीजर पूछ रहा है, किसी भी इंटीजर के लिए पूछ रहा है, तो यदि इंटीजर जो एम है उसका वैल्यू यदि निगेटिव हो तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू यदि निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, तो इफ द वैल्यू ऑफ एम इज निगेटिव देन एम स्क्वायर विल पॉजिटिव, ठीक है, माइनस टू का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस टू इंटू माइनस टू, ठीक है, टू टू जा फोर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, कोई भी माइनस का वैल्यू होगा ना, यदि टू टाइम माइनस आया तो हमेशा उसका वैल्यू प्लस में ही होगा, ठीक है, तो यदि इसका वैल्यू एम स्क्वायर का वैल्यू प्लस में आ गया, यानी माइनस का वैल्यू यदि पॉजिटिव होगा तो देन एम स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी भी ये निगेटिव होने, स्क्वायर ले लिए तो यानी पॉजिटिव का भी वैल्यू पॉजिटिव ही होगा और निगेटिव का भी वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, कभी भी इसका वैल्यू निगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन एम थ्री जो होगा यदि माइनस टू को थ्री टाइम्स यदि आपने किया तो क्या होगा, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, ठीक है, टू को छोड़ दीजिए, टू टू जा टू, टू टू जा फोर, टू जा एट, ठीक है, जो भी आए, ठीक है, पर माइनस देखिए तो थ्री टाइम्स ऑफ माइनस यदि लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और टोटल प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी हमेशा वैल्यू यदि निगेटिव वैल्यू है तो हमेशा निगेटिव ही आएगा, तो निगेटिव का वैल्यू जितना बड़ा होता है वो वैल्यू एक्चुअल में उतना ही छोटा होता है, ठीक है, तो यानी वो हमेशा एम स्क्वायर से एम थ्री क्या होगा, छोटा होगा हमेशा, ठीक है, जो उल्टा इसने लिखा हुआ है कि एम स्क्वायर ही छोटा होगा, इज लेस देन एम थ्री, ऐसा नहीं होगा, तो निगेटिव के कंडीशन में एम स्क्वायर जो है, और सिंपल पॉजिटिव कंडीशन में ओके है कि ये होगा, लेकिन फॉर एनी लिख दिया तो एनी लिख दिया, यानी कि एनी के लिए संभव नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव के लिए संभव है, निगेटिव के संभव नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको फॉल्स लिखा, ठीक है, तो बट m3 विल बी निगेटिव, m3 क्या हो जाएगा, निगेटिव, m टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा, हमेशा निगेटिव होगा, m टू दी पावर 2 या m स्क्वायर जो है पॉजिटिव होगा, m3 निगेटिव होगा, एंड इन दैट कंडीशन m2 विल नॉट लेस देन m3, m2 जो है m3 से लेस नहीं होगा, जबकि ग्रेटर होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू जो है किसी भी निगेटिव, एक ऐसा भी निगेटिव वैल्यू उससे तो वो ज़्यादा होता ही है, इसीलिए, ठीक है, तो ये फॉल्स है, रीजन भी बता दिया, तो ये थिंग डिस्कशन राइट कंप्लीट हो गया, ठीक है।